70 साल के एक बहुत ही फेमस मगर ठड़की जर्नलिस्ट के पास एक खूबसूरत लड़की उसका इंटरव्यू लेने के लिए आती है, मगर वो ठड़की बुड्ढा उस लड़की के साथ गपागप करना चाहता है, बट उस लड़की को गपागप में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। मगर उस ठड़की बुड्ढे की किस्मत तब चमकती है जब वो दोनों एक बाथरूम में बंद हो जाते हैं। इस फिल्म का नाम है मैड्रिड 1987 जो 2011 में रिलीज हुई थी। तो चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। सो फिल्म स्टार होती है एक रेस्टोरेंट में, यहाँ पर वही ठड़की जर्नलिस्ट मिगेल बैठकर अपना आर्टिकल लिख रहा होता है। मिगेल एंजेला से कुछ ऑर्डर करने कहता है और अपना आर्टिकल लिखना कंटिन्यू करता है। एंजेला अपने लिए एक ड्रिंक ऑर्डर करती है। मिगेल उस ड्रिंक में से एक सिप लेता है और फिर वो सिगरेट भी जलाता है। मिगेल को डॉक्टर ने सिगरेट और ड्रिंक वगैरह से दूर रहने कहा है, मगर फिर भी मिगेल ड्रिंक भी करता है और सिगरेट भी पीता है। वो इसकी वजह ये बताता है कि मेरी मौत हो जाए तो मेरी मौत का ब्लेम इन सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। अब एंजेला अपनी राइटिंग मिगेल को बताती है, लेकिन मिगेल को उससे आर्टिकल्स ज्यादा पसंद नहीं आते। मिगेल कहता है कि तुम्हारे आर्टिकल्स बहुत लंबे हैं और अगर तुम्हें पब्लिश होना है तो तुम्हारी लेंथ कम होनी चाहिए। और एंजेला ने मिगेल की राइटिंग स्टाइल भी कॉपी की थी, जिस पर मिगेल कहता है कि तुम्हारी राइटिंग स्टाइल भी यूनिक होनी चाहिए। वो आगे कहता है कि तुम राइटिंग किसी से सीख नहीं सकती, क्योंकि राइटिंग करने का टैलेंट इंसान के अंदर से निकलता है। अब मिगेल एंजेला को अपने पास बुलाकर बिठाता है और उसे अपनी कोट के जेब में हाथ डालने कहता है। एंजेला उसमें से एक चाबी निकालती है। मिगेल एंजेला से कहता है कि ये चाबी मेरे दोस्त के स्टूडियो की है जो एक पेंटर है, क्यों ना हम कुछ देर वहाँ चलकर बैठें ताकि हमें कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। एंजेला को मिगेल पर शक होता है, लेकिन फिर एंजेला को मिगेल से बहुत कुछ सीखना भी है, सो वो उसके साथ उस स्टूडियो में चली जाती है। स्टूडियो पहुंचकर वो दोनों बातें करते हैं और ड्रिंक भी करते हैं। बातें करते करते मिगेल एंजेला के काफी करीब आ जाता है और उसे टच भी करने लगता है। मिगेल एंजेला के ग्लासेस उतारता है और उसे किस करता है। किस करने के बाद वो एंजेला से दूर होता है और कहता है कि अब मुझे किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे मेरा इंटरेस्ट कम होता गया। अब मिगेल एंजेला को कपड़े उतारने कहता है। मिगेल कहता है कि मैं तुम्हारी इतनी हेल्प कर रहा हूँ तो बदले में मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। एंजेला को मिगेल की ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो वहाँ से जाने लगती है। मिगेल को थोड़ा बुरा भी लगता है, मगर फिर थोड़ी ही देर में दरवाजा बजता है और एंजेला बिना कपड़ों के अंदर आती है। एंजेला को देखकर मिगेल के मुंह में पानी आ जाता है। मिगेल पेंट उठाता है और एंजेला की बॉडी पर पेंट करने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद एंजेला शावर लेने चली जाती है और मिगेल भी उसके पीछे पीछे शावर लेने जाता है। मिगेल एंजेला के साथ बाथरूम के अंदर आ जाता है और दरवाजा लॉक कर देता है। और फिर शावर लेने के बाद एंजेला मिगेल से कहती है कि ये सब गलत है और मुझे ये सब नहीं करना। लेकिन जैसे ही एंजेला बाहर जाने लगती है तो बाथरूम का दरवाजा खुलता ही नहीं है। उस दरवाजे का लॉक खराब था और मिगेल का दोस्त ये बात उसे बताना भूल गया था। मिगेल और एंजेला दोनों दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर वो दरवाजा खोल ही नहीं पाते। अब एंजेला बाथरूम की छोटी सी खिड़की के नजदीक जाती है और उस खिड़की में से मदद के लिए आवाज देने लगती है, लेकिन मिगेल उसे रोकता है। वो कहता है कि मैं एक फेमस राइटर हूँ और अगर मुझे तुम्हारे साथ इस हालत में लोगों ने देखा तो ये बहुत ही बड़ी न्यूज बनेगी, जिससे मेरी काफी ज्यादा बदनामी होगी और ये बहुत ही बड़ा स्कैंडल भी बन सकता है। मिगेल कहता है कि मेरा दोस्त 2 दिन तक वापस नहीं आने वाला है और इतने समय में उसकी बीवी पुलिस के पास चली जाएगी। एंजेला कहती है कि मेरे पेरेंट्स भी मेरी फिक्र में, हो सकता है कि उससे पहले ही पुलिस में चले जाए। अब मिगेल भी टेंशन में आ जाता है और वो दोनों ही खिड़की से मदद के लिए आवाज देने लगते हैं, मगर बाहर उन्हें सुनने वाला कोई नहीं था। अब वो दोनों थक हार कर नीचे बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। मिगेल कहता है कि हम दोनों काफी अजीब सिचुएशन में हैं, या तो कॉमेडी होगी या ट्रेजेडी। उस पर एंजेला कहती है कि अगर हम लोग सेफली यहाँ से बाहर निकल गए तो ये एक कॉमेडी होगी, और अगर मेरे पेरेंट्स को इसके बारे में पता चला तो ये एक ट्रेजेडी होगी। अब मिगेल एंजेला को उसके फादर के बारे में पूछता है। एंजेला बताती है कि उसके फादर आर्मी में है और वो उसे उनका नाम भी बताती है। तो मिगेल कहता है कि मैं उन्हें जानता हूँ और मैं तुम्हारी बड़ी सिस्टर को भी पहचानता हूँ, और जब तुम्हारी सिस्टर एक्टिंग क्लासेस में थी तब हम दोनों फ्रेंड्स हुआ करते थे, मगर मैं उसे लाइक करता था।
बट उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मिगेल एंजेला से आगे कहता है कि तुम्हारे फादर और तुम्हारे सिस्टर की बिल्कुल भी नहीं बनती थी और वो दोनों काफी झगड़ते थे। एंजेला बताती है कि वो दोनों अब भी वैसे ही हैं और मैंने मेरी बड़ी बहन के पास से ही तुम्हारा नंबर लिया। मिगेल कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि जब तुम्हारी बहन को पता चलेगा कि हम दोनों ऐसी सिचुएशन में थे तब उसका रिएक्शन क्या होगा। अब मिगेल धीरे धीरे एंजेला के करीब आने लगता है लेकिन एंजेला उठकर उससे दूर जाकर बैठ जाती है। एंजेला कहती है कि बस मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। मिगेल कहता है कि भले ही तुम दूर चली जाओ मगर जब हम लोग बाहर निकलेंगे तब लोगों को तो ऐसा ही लगेगा कि हम दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो हुआ है। अब एंजेला उठकर फिर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है लेकिन फिर से मिगेल एंजेला के करीब जाने लगता है और उसे टच करने लगता है मगर एंजेला उसके खड़े दंड पर हथौड़ा मार कर उससे दूर चली जाती है और कहती है कि मुझे ये सब नहीं करना, जिससे मिगेल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में चिल्लाने लगता है और आखिर में थक हार कर नीचे बैठ जाता है। अब एंजेला को भी मिगेल पर काफी तरस आता है और वो उसके करीब आती है और फिर आखिरकार मिगेल एंजेला के साथ घपाघप करता है। अब एंजेला को भूख लगती है। मिगेल कहता है कि उसे मूवीज में लोगों को खाते देखना बहुत पसंद है। उसने बताया कि अभी अभी उसने एक एक्शन मूवी देखी है। मूवी काफी फास्ट थी मगर उसमें एक आदमी के खाने का सीन आता है जो काफी रिलैक्सिंग था और उसमें एक था। मिगेल आगे कहता है कि राइटिंग भी इसी तरह है, हमें जो भी कुछ फैक्ट्स हैं उन्हें उसी हालत में दिखाना चाहिए। तुम अपनी राइटिंग हकीकत के जितने करीब रखोगी लोगों को भी तुम्हारी राइटिंग उतनी ही ज्यादा पसंद आएगी। एंजेला अपनी राइटिंग से वर्ल्ड चेंज करना चाहती है मगर मिगेल कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, तुम बस लोगों के लिए अच्छा लिखने की कोशिश कर सकती हो, बाकी कोई चीज तुम्हारे हाथ में नहीं है। मिगेल एंजेला से ऐसे बात कर रहा था जैसे कि वो उसे डांट रहा हो और इस बात पर एंजेला को काफी गुस्सा आता है और वो कहती है कि मुझे हर कोई ऐसे ही ट्रीट करता है। एंजेला कहती है कि तुम बड़े हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा ही सही हो। एंजेला का गुस्सा शांत होने के बाद मिगेल एंजेला को फिर से मदद के लिए आवाज लगाने कहता है क्योंकि लड़की की आवाज सुनकर मदद के लिए लोग दौड़ने लगते हैं लेकिन इस बार भी बाहर कोई नहीं होता। मिगेल एंजेला से कहता है कि आज हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो गलत था और इस वजह से हमें गिल्टी फील जरूर होगा लेकिन हमें इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, जो हो गया वो हो गया। फिर थोड़ी देर बाद मिगेल को बाहर किसी की आवाज आती है। मिगेल उसे आवाज देता है और कहता है कि मेरे दोस्त को कॉल करो और उसे कहो कि मैं यहाँ फंस गया हूँ। फिर कुछ देर बाद मिगेल का दोस्त आता है और उन दोनों को बाथरूम से बाहर निकाल देता है। अब एंजेला मिगेल से कहती है कि ये बस एक इंसिडेंट था और मैं इसे एक इंसिडेंट की तरह ही याद रखूंगी और ये मेरे लिए एक एक्सपीरियंस भी था। फिर एंजेला वहां से चली जाती है और फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और ऐसी ही वीडियोस आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।